41,000 रुपए का चालान भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी पे किया गया दिल्ली के अंदर, बिना हेलमेट के, बिना पोल्यूशन के और साथ ही साथ बिना बाकी डॉक्यूमेंट्स के वो बाइक चला रहे थे, टू व्हीलर। हालांकि आपको मालूम है कि दिल्ली से रेड फोर्ट जो एक रैली की गई थी भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, उसमें साफ क्लियर एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी मनोज तिवारी ने हेलमेट नहीं डाला हुआ है, ना ही उनके पास पोल्यूशन था और बाद में ना ही उनसे जो है वो लाइसेंस भी बरामद हुआ। कुल मिलाकर लगभग 41,000 रुपये के आसपास का जो है वो उन पर चालान किया गया है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के ऊपर भी जो है वो चालान हुआ है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करते हुए ये अपील की तमाम लोगों से कि जिस तरीके की गलती उनकी जानिब से की गई है, ऐसी गलती कोई भी आम शायरी ना करें, और वो इस गलती को मद्देनज़र रखते हुए आवाम से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी और दिल्ली पुलिस से भी माफ़ी मांगते हैं कि रैली के अंदर हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बिना हेलमेट के उन्होंने जो है वो टू व्हीलर बाइक चलाया और साथ ही साथ ना ही उनसे लाइसेंस बरामद हुआ और ना ही फिर उनसे जो है वो पोल्यूशन भी मिला, जिसकी वजह से उन पे 41,000 रुपये का जो है वो चालान किया गया। हालांकि रजिस्ट्रेशन प्लेट जो थी उस बाइक की, उसके ऊपर भी जो है वो चालान हुआ। मैं आपको सिर्फ साफ अल्फाजों में ये कहना चाहता हूँ कि अगर कानून सबके लिए है तो कानून का सबको पालन करना चाहिए, कोई मंत्री है या कोई संतरी है, सब लोगों को जो है वो कानून के दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर बाइक रैली में चला रहे हैं और बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के और बिना पोल्यूशन के और बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जनाब। इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान उठता है। हालांकि उन पर चालान हो चुका है, उन्होंने ट्वीट करते हुए बाकायदा ये बताया भी कि उन्हें इस चीज़ की बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो सब लोगों से अपील और गुजारिश कर रहे हैं कि जब भी टू व्हीलर चलाना है तो हेलमेट पहन के चलाना है, अदरवाइज़ आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी पे भी 41,000 रुपये का चालान हुआ है और इस 41,000 रुपये के चालान को भरने के बाद उन्होंने जो है वो आवाम से अपील करते हुए बताया कि कानून का पालन करें और ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालन करें, अदरवाइज़ आपको भी जो है वो काफ़ी बड़े चालान का सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्हें इतने बड़े चालान का सामना करना पड़ा। और मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि आप जब ये स्टंट मारते हैं तो आप इसकी वीडियोस जब ये सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो इससे आप बाकी नौजवानों को भी गलत रास्ते पर चलने की डायरेक्शन देते हैं। आप जब ये ट्रैफिक के बीच में ज़िगज़ैग वाले जो आप ये कट वगैरह मारते हैं, इससे बाकी जो हमारे आती पीढ़ी के बच्चे हैं उन पर भी गलत इम्पेक्ट पड़ता है। कई सारे यूट्यूबर हों या फिर कई सारे आम सोशल मीडिया यूज़र्स हों, सब उसके ऊपर जो है वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि इस तरीके के नौजवानों पे जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में, जो इस तरीके से दूसरे बच्चों को भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं और गलत डायरेक्शंस देते हैं। इवन फिर बाद में कई बड़े हादसे होते हैं जिनमें जाने भी चली जाती हैं और फिर बाद में घर परिवार के लोगों को भी जो है वो खून के आंसू रोना पड़ता है। तो हमारी गुजारिश है तमाम लोगों से कि इस तरीके के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और कार्रवाई के लिए अपील करें जो ऐसे स्टंटबाजी करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मनोज तिवारी साहब के ऊपर चालान हुआ 41,000 रुपये का, इससे आप लोगों को समझना चाहिए कि कानून कितना बड़ा है और कानून के सामने सब एक बराबर हैं और कानून किसी को भी नहीं माफ़ करता है, चाहे कोई एमपी है या चाहे फिर कोई एक गरीब इंसान है। तो कानून का पालन करके ही आगे बढ़ें ज़िंदगी में और बताए हुए नियमों के ऊपर ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जहन रखें, फोकस करें, अदरवाइज़ आप लोगों को भी एक दिन इतने बड़े हैवी चालान का सामना करना पड़ जाएगा। एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।